तो दोस्तों ये हमारे सामने आज निशान की मैग्नेट है जो कि इसका एक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसमें देखो आप फ्रंट की तरफ सबसे पहले तो कितना फ्यूचरिस्टिक लुक, और निशान ने वाकई में अपने R&D पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है। ये आप देख सकते हो आगे की तरफ इस पर आपको काफ़ी बड़े DRLs दिए जाते हैं और हेडलाइट भी इसकी काफ़ी बढ़िया, एक आपको यहाँ से आपको देखने में थोड़ी बहुत ना ऊपर से देखोगे ना DCA बनती वाली फील आएगी, और साथ ही साथ इसमें आपको जैगुआर टाइप भी देखने के लिए मिल जाते हैं अगर ऐसा करके देखोगे। साथ ही फ्रंट में आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा निशान का लोगो और नीचे आपको नंबर प्लेट की हाउसिंग दी जाती है। ये आपको यहाँ पे टोइंग हुक दिया जाता है जिसको इसको पुल करोगे तो आपको यहाँ पे टोइंग हुक आ जाएगा। साथ ही साथ इस तरह जो आपको काफ़ी बढ़िया इसमें डायमंड कट अलॉय व्हील प्रोवाइड कर जाते हैं, जिसमें कि अगर टायर पर हल की बात करें 16 इंच के आपको उसमें टायर दिए जाने वाले हैं। और यहाँ पर आपको निशान मैग्नेट की बैजिंग और नॉर्मल आपके वाइपर और यहाँ पर आपको विंडशील्ड वॉशर प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ इस पर आपको ये डुअल फिनिश के साथ मिरर प्रोवाइड होने वाले हैं। नीचे आपको मैट फिनिश के प्लास्टिक यानी कि रो प्लास्टिक और ऊपर आपको ग्लोस ब्लैक के साथ दिए जाते हैं, जहाँ पर आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी प्रोवाइड होने वाले हैं। हैंडल भी आपको जैसे क्रोम के हैंडल जिनमें कि आपका रिक्वेस्ट सेंसर बटन, और इसके साथ इंटीरियर में बात करें तो आपको काफ़ी बढ़िया फिनिश दिए जाते हैं। अभी बात करेंगे इस कार में, पहले बाहर से बात करते हैं एक्सटीरियर। ये आपको यहाँ पर प्लास्टिक स्लाइडिंग हो गई, और साथ के साथ इधर बात करते हैं रियर की तरफ भी आपको इसमें काफ़ी बढ़िया स्पेस दिया जाता है कि आप अगर सामान वगैरह भी रखते हैं तो आपको नीचे ये चीज़ टच होने का डर नहीं है, और व्हील आर्च काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। तीजे की तरफ से अगर टेल लाइट्स के बारे में बात करें तो आपको इसमें थोड़ी बहुत देख के ब्रेजा वाली फील आएगी, लेकिन फिर नहीं दोस्तों अगर यूँ साइड से देखो ना तो काफ़ी बढ़िया टेल लाइट्स दिए जाते हैं। ये आपका जहाँ पर कि आपको डिफोगर भी प्रोवाइड किए जाते हैं और रियर साइड की वाइपर, साथ ही साथ ये आपके मैग्नेट की बैजिंग और निशान की लोगो, नीचे आपको नंबर प्लेट हाउसिंग, और ये आपको 4 पार्किंग सेंसर दिए जाते हैं। 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर प्रोवाइड होने आ रहे हैं। ऊपर की तरफ रूफ रेल और शार्क फिन एंटेना रहेगा, जहाँ पर कि आपका ये हाई स्टॉप माउंट लैंप, और इसके साथ यहीं पर ही आपका ये मिलने वाला है रियर विंडशील्ड वॉशर, और ये आपका स्पॉइलर दिया जाता है, काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है। और एक्सटीरियर में तो इतना ही, यहाँ पर आपका ये फ्यूल डालने का सिस्टम दिया जाता है। अगर इंटीरियर में बात करते हैं तो इसी के साथ अब इंटीरियर में भी आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, देख सकते हैं दोस्तों ये इसी के साथ काफ़ी बढ़िया, मतलब सीट ठीक है। यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी जाती है, 5 गियर सिस्टम दिया जाता है, 1 रिवर्स गियर, यहाँ पे बोतल होल्डर रहने वाले हैं, और इसके साथ ये पीछे भी रहने वाले कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। ये आपका हैंड गियर हो गया, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन, ये आपके वायरलेस चार्जिंग, यहाँ आपके AC के कंट्रोल्स हो गए, और ये अंदर आपको कुछ ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, AC वेंट आपको जो कि एक उरुस की तरह प्रोवाइड करे जाते हैं। ये आपका रियर व्यू मिरर जो कि आपको नॉर्मली दिया जाता है यहाँ पे, और ये आपको येलो कलर के बल्ब दिए जाते हैं। और पीछे का भी अगर बात करें इसके सेकेंड रो के बारे में तो ठीक ठाक ही दिए जाते हैं, सेफ्टी के फीचर्स भी आपको इसमें पूरे देखने के लिए मिल जाते हैं। दरवाजे पे आपको ये ड्यूअल फिनिश के साथ यहाँ पे फैब्रिक यानी कि सॉफ्ट टच, पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पे एक प्रीमियम मिलने वाली है, मतलब यहाँ पे आपको हार्ड और ये आपका कुछ सिल्वर टाइप में दे रहा है D-क्रोम, और यहाँ पे ये आपका सॉफ्ट टच रहेगा। बाकी सारा सिस्टम तो कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल जाता है निशान मैग्नाइट जो कि आपकी ये भारत ऑटो एक्सपो में खड़ी देखने के लिए मिल जाती है। बाकी और चीज़ के लिए इसके बारे में पूछना तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।